राज्य सरकार मिड डे मील के लिए स्कूलों को एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा देने की योजना तैयार की थी, लेकिन कहीं एलपीजी सिलेंडर से खाना पकाई जाती है तो कहीं लकड़ी की चूल्हे से खाना पकाई जाती है। सरकार नियम भी तैयार करती है और उस नियम से चलने में कोसों दूर भी रह जाती है। स्कूल के प्रधान शिक्षक ने कहा, अगर विभाग से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाए तो लकड़ी की चूल्हा से ही खाना तैयार होगी। देखिए सिल्ली से दिनेश बनर्जी की खास रिपोर्ट। बूढ़ा आखड़ा स्कूल में और यहाँ का जो स्थिति है, रसोई घर जो है, रसोई घर में रसोईया लोग लकड़ी का चूल्हा से बच्चों का खाना बनता है। यहाँ पर गैस अभी तक मिला है कि नहीं? यहाँ से गैस एक बार मिला है सर। एक बार मिला है? हाँ, और नहीं मिला है। तो इसका मतलब किसी को बोले हैं? नहीं, हम लोग किसी को नहीं बोले हैं। मतलब संजय जी का आपको बोलते हैं तो वो बोलती है कि मेरा पैसा नहीं आता है इसलिए हम नहीं भरवाते। संजय जी का कौन है? मेनका देवी है, मुंडा घर की है। आप रसोईया हैं? नहीं, हाँ हम रसोईया हैं, हम दोनों रसोईया हैं, संजय जी का मेनका देवी। मेरा है पद्दा देवी। दाल जो है इसमें 69 लड़का, तो उसमें हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। और आपका क्या नाम हुआ? परमेश्वरी देवी। परमेश्वरी देवी, तो गैस का मतलब आप लोग शिकायत किए थे? नहीं, हम लोग तो नहीं, हम लोग संजय जी का को बोले, वो सर को बोल रहे हैं, तो देखिए सर बोले कि उधर से अब होगा तब ना ये करेंगे। हम लोग का तो ये करने का नहीं है, अब मिलेगा तो सब स्कूल का मिलेगा, हम लोग का तो अकेले नहीं मिल सकता है। बर्तन के लिए बोले थे कि नहीं? हाँ, बर्तन के लिए सर को, संजय जी का को। देखिए और हम लोग किसको बोलेंगे, सर को और संजय जी का को ही ना बोलेंगे। तो बोल रहे ठीक है, अगर ये होगा तो मीटिंग करके आप खरीदेंगे। बैठे स्टूडेंट को का प्रोग्राम चल रहा है बूस्टर फेज, जो हम लोग को 15 अगस्त तक 45 दिन तक चलाना है। 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट किए हैं और हम लोग 1 जुलाई से 15 अगस्त का टाइम दिया गया है। 45 दिन तक बूस्टर फेज फुल टाइम चलेगा ज्ञान सेतु, आफ्टर दैट 1.5 घंटा का चलेगा। उसके बाद रूम नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि रूम ही नहीं है। रूम का क्या स्थिति है? पूरी तरह से डैमेज है, बच्चा बैठा नहीं सकते हैं, बरसात का दिन आ रहा है। और वहाँ पर खाना जो बन रहा है वो लकड़ी का चूल्हा से खाना बन रहा है, क्या कारण है? लकड़ी का कारण तो यही है कि उसमें अभी पैसा वैसा का अभी एसएम से खत्म नहीं है, गैस के लिए खत्म नहीं है अभी, नहीं है। तो इसका शिकायत आप बीओ साहब को किए थे? बीओ साहब किए थे उधर, तो बोले कि वहाँ से जिला से पैसा आएगा तब सब अभी किसी प्रकार चलाइए ऐसे कह रहे। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? सिल्वेस्टर बाबा। प्रधान शिक्षक जी।